एक थेरेपिस्ट के रोल में एक पेशेंट के साथ बट दे आर द वाइड रेंज ऑफ वर्क सेटिंग टू कॉमन एथिकल वैल्यूज कट अक्रॉस सो आज हम बात करेंगे उन सारे प्रोफेशन की जिसमें मेंटल हेल्थ अंगेज हो सकते हैं अदर देन दिनलोथेरापूटिक सेटिंग और उसमें उनके क्या एथिकल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं Uh, और उनको किस तरीके से अपनी एथिकल गाइडलाइंस को सस्टेन करना होता है वायल हैविंग देयर वेरियस रोल्स इन डिफरेंट वर्क सेटिंग्स इंक्रीजिंगली मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशन प्रैक्टिशनर्स एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव फाउंड इंटरेस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉन ट्रेडिशनल वर्क सेटिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज और हम ये महसूस करते हैं कि हमें दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट तरह के जो है वो वर्क सेटिंग्स नज़र आते हैं और जैसे जैसे ह्यूमन uh, साइकी जो है वो इवॉल्व uh, हो रही है ये सब्जेक्ट जो है वो इवॉल्व हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमें हर डिसिप्लिन के साथ हर एक वर्क सेटिंग के साथ एक साइकोलॉजिस्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है फॉर इंस्टेंस वी कैन सी दैट इफ़ वी टॉक अबाउट एनी डिसिप्लिन विच इज़ एनी वर्क सेटिंग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली रेलिवेंट टू साइकोलॉजी वी सी द नीड ऑफ़ साइकोलॉजी देर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें अगर हम लॉ की बात करें अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो हमें इन सब जगहों के ऊपर साइकोलॉजी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नज़र आता है कि उनकी हायरिंग में उनकी मनिटोरिंग में उनकी असेसमेंट में हमें एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन्वॉल्व दिखाई देता है एथिकल प्रेशर्स और चैलेंजेस विद इन सच वर्क प्लेस मे ट्रिगर रियक्शन लीडिंग फ्रॉम सबटल डिस इंटेग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज टू ओवरवेलमिंग इमोशनल डिस्ट्रेस इन सब सेटिंग्स में जहाँ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं वी टेंट टू सी कि अगर कोई इमोशनल रिएक्शन जो है वो आउटबर्स करता है तो वो बहुत बुरी तरह के इमोशनल डिस्ट्रेसिस को जो है वो क्रिएट करता है सो so, इनकी ही हम आज बात करेंगे और इन्हीं की एग्जाम्पल्स जो हैं वो आज हम शेयर करेंगे सम सेटिंग सीम्स लाइक्स टू इवोक एथिकल डायलेमा डायन ऐसा भी होता है जैसे अभी हमने आज इसी में एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करनी है कि कभी कभार ऐसी सेटिंग्स बहुत बड़े एथिकल डायलेमास को भी क्रिएट कर देती हैं जहाँ एक इंडिविजुअल्स का इमोशनल रिएक्शन जो है वो कोई बहुत ही बुरा जो है वो ड्रामा क्रिएट कर देता है या बहुत ही बुरा सीन क्रिएट कर देता है एंड द राइट और द बेस्ट आउटकम ऑफ वन पर्सन मे बी द वर्स्ट आउटकम फॉर एनर समटाइम्स एक इमोशनल ट्रिगर जो होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत पॉजिटिव होता है लेकिन वो दूसरे के लिए वो बहुत बुरा रिएक्शन भी दे देता है सेम एज इफ अगर क्लास में एक टीचर जो है वो असाइनमेंट देती है और वो उसके साथ कहती है कि जो सबसे अच्छी करेगा Uh, वो क्लास का सबसे टॉप रेटेड बेस्ट स्टूडेंट होगा तो ये शायद जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इतनी एफर्ट नहीं करते वो पहले ही इससे डाउन हो जाएंगे कि हम तो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हमसे तो पहले ही अच्छे लोग मौजूद हैं और मे बी वो वो भी परफॉर्म ना कर सकें जितना कि उनको करना है सो दीज आर द इंडिविजुअल रिएक्शंस विच वी जेनवली सी इन ह्यूमन बींग्स और ये वर्क सेटिंग्स पे भी अप्लाई होते हैं फॉर a psychologist evaluates चिल्ड्रेन रिएक्शंस टू प्रोटोटाइप्स ऑफ वीडियो गेम्स एक वीडियो गेम जो है वो किसी कंपनी ने एक मीडिया कंपनी ने लॉन्च की और उसने कहा कि उनके जो फर्स्ट इनिशियल प्रोटोटाइप्स या उनके जो क्लिप्स हैं वो स्टूडेंट्स बच्चों को जो हैं वो दिखाए जाएँ एंड दे होप डैट हाउ मैनी कॉपीज दे कैन सेल जितने भी वो बच्चे जैसा रिएक्शन देंगे उससे उन्हें पता लगेगा कि बच्चों को कितनी पसंद आई है एंड द वीडियोज कंपनी वॉन्ट्स टू शो ज बेसिकली ग्राफिक वायलेंस एंड एडिक्टिव गेम प्ले स्ट्रैटीज अब उसका जो रिएक्शन है या जो उसका रिजल्ट है वो कंपनी के लिए जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग रखता है बट द साइकोलॉजिस्ट मे बी क्रिटिसाइज बाय द पब्लिक एंड बाय द पेरेंट फॉर इनफ्यूजिंग बैड हैबिट्स अमंग द यंग चिल्ड्रन के वो उनको वायलेंस दिखा रहे हैं वो उनको ऐसी क्रिटिकल चीजें दिखा रहे हैं जिनसे वो गेम के अडिक्ट हो जाएंगे एंड विच इज नॉट गुड फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सो यू नो इन दिस सनारी वेन बी सी कि दे आर द वन थिंग विच कुड भी द गुड फॉर वन पब्लिक प्रोफाइल एंड विच कुड नॉट बी द गुड फॉर अन अदर सेट ऑफ द पब्लिक वहाँ पर कंपनी को उससे फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाकी लोग जो है वो उसको देख कर साइकोलॉजिस्ट uh, को जो है वो बैकलैश करें कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बना रहे हो जो हमारे बच्चों की मैंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है सो दिस कुड बी चैलेंज इन अ वे दैट हाउ यू गोइंग टू वर्क इन सच सेटिंग्स

बिकॉज uh, ये एक काफ़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट जो है वो बन जाती है द नेचर एंड डिमांड ऑफ द एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल कॉन्टेक्ट विद इन विच द प्रोफेशनल मीनिंगफुल दे नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट हाउ एंड वट द सर्विसिज दे आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ द एथिकल इशूज रिलेटेड टू दर्टिकुलर नेचर ऑफ द क्लाइंट एंड देयर प्रॉब्लम जैसे एक केस मैंने अभी आपसे यह डिस्कस किया तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट जो है वो उस उसको किसने हायर किया है उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं और एथिकली वो चीज़ जो है वो कितनी करेक्ट है बिकॉज वट एवर दर्विस इज प्रोवाइडिंग हैव टू बी द एथिकल ऑब्लिगेशन विच दे नीड टू फुलफिल एंड दे कांट क्रॉस दोज एथिकल पाथवेज और उनको जस्टिफाई एट द एंड ये करना पड़ता है कि उन्होंने किन बेसिस के ऊपर किसी भी वर्क uh, असाइनमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया है